Hello students, how are you all? I hope you all are doing very well. So today this video is for class 10 students. Yes, I've been uploading a lot of content for class 12 and class 11. So मेरे पास काफी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम आप क्लास 10th के लिए भी प्लीज कुछ मटेरियल डाल दीजिए. हम लोग क्लास 9th एंड 10th से ही स्पेशली आईएससी स्टूडेंट्स आपके साथ जुड़ जाते हैं. हम लोग हम लोग का जो कमर्शियल स्टडीज का सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, उसके बारे में भी कुछ डालिए. तो यस, आई हैव decided to start uploading some of the videos for class 10th also. And जो part practical है, जो कि सबसे ज़्यादा difficult लगता है student को, I thought let me start with this. Yes, so final accounts of sole proprietor जो आपका chapter है, जो कि कई सारे बच्चों को बहुत difficult लगता है, कुछ कुछ लोग उसको छोड़ के भी चले जाते हैं, तो उसके साथ में आपके ये video start कर रही हूँ, मेरे lecture start कर रही हूँ. It will be a series of lecture in which we are going to complete the entire chapter. Yes. We are going to complete the entire chapter in this lectures, which are uploaded on YouTube. Some of the lectures may be on my app also live. अगर अभी तक आपने मेरी app को download नहीं किया है तो please download the app. That is Krishna's Classes, जिसको आप Play Store से जाके download कर सकते हैं. The link will be given in description to you all. Okay, so without wasting much time, let us start. And हाँ, एक बात और बोल दूँ, though this video is made for class 10. But the same topic is for class 11th also. तो अगर आपका कोई friend class 11th में है, जिसको final accounts में दिक्कत आ रही है, तो आप उनको भी ये video refer कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी same topic है. थोड़ा सा difficulty level high हो गया है, लेकिन कोई भी बच्चा अगर ये देख लेगा, तो उसका basic तो बहुत clear हो जाएगा. And class 10th के लिए तो ये topic बिल्कुल पानी की तरह बन जाएगा. I can vouch you कि after watching this entire lecture. Means the series of lecture which I'm going to start from today, आप बहुत आसानी से इस चैप्टर को डील कर लेंगे एंड फुल ऑन फुल मार्क्स. थ्योरी में आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, निकल जाएगा. आप अकाउंट्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं तो कोई भी चांस नहीं है फॉर लूजिंग द मार्क्स, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे. चलिए तो लेट अस स्टार्ट. ये मेरे नोट्स है और ये नोट्स आपको कहाँ पे मिलेंगे, आप मेरे ऐप में जा सकते हैं. अंडर फ्री स्टडी रिसोर्सेज आपको ये नोट्स मिल जाएंगे. और एक और सोर्स है जहां से आपको ये रिसोर्स ये नोट्स मिल जाएंगे, वो है आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लीजिए. वहां पर भी जो भी मैं इधर पढ़ा रही हूँ, यूट्यूब पे जितने भी लेक्चर्स ले रही हूँ, वो सब आपको वहां पर मिल जाएंगे. उसके जो भी नोट्स होंगे आपको वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है. तो टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा मैम, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. चलिए तो फाइनल अकाउंट्स हम स्टार्ट करें. फाइनल अकाउंट्स होता क्या है? फाइनल जैसा कि वर्ड बोल रहे, जैसे कि फाइनल एग्जामिनेशन होता है. या तो अब हमने क्या कर दिया, हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है वो अकाउंटिंग ईयर खत्म हो गया है, जो भी अकाउंटिंग पीरियड है वो खत्म हो गया है. अब हम फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट कर रहे हैं. यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को हम ये इन्फॉर्मेशन देंगे, इफ इट इज अ पब्लिक कंपनी और समथिंग, और जस्ट सोल प्रोपराइटर के केस में उसे किसी और को प्रेजेंट तो नहीं करना है, लेकिन खुद के लिए बनाना है और देखना है कि बिजनेस का रिजल्ट क्या रहा, क्या उसे प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, उसकी पोजीशन कैसी है, बैलेंस शीट कैसी है, मतलब उस दिन पे उसकी एसेट्स कितनी है, उसकी लाइबिलिटीज कितनी है. ऐसा तो नहीं है कि उसकी एसेट्स बहुत कम है, लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा है, सॉल्वेंट नहीं रहा वो. ये सारी चीजों को चेक करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं. अब फाइनल अकाउंट्स होते क्या है? फाइनल अकाउंट्स के अंदर बेसिकली ये तीन चीजें आती है. एक है ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, दिस वन इज योर ट्रेडिंग अकाउंट. दूसरा है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड तीसरा है बैलेंस शीट. तो इन तीनों चीजों को कंबाइंडली हम बोलते हैं फाइनल अकाउंट, ठीक है. अब यहाँ पर स्पेसिफिक हम लोग किसके लिए सीख रहे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए. आपने नाइन्थ में और इस साल भी शायद पढ़ा होगा कि देर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस. वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस के अंदर आपका सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकता है, पार्टनरशिप बिजनेस हो सकता है और जॉइंट स्टॉक कंपनी भी हो सकती है. तो पार्टनरशिप की बैलेंस शीट तो काफी कुछ और जो ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहेगा ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेगा. लिटिल बिट ऑफ चेंजेस प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट वगैरह आ जाता है वहां पे, लेकिन ये कंपनी के लिए है क्या? बिल्कुल भी नहीं. कंपनी के लिए कंपनीज लॉ, द कंपनीज लॉ 2013 प्रिस्क्राइब्स की कैसे अकाउंट्स बनाए जाएंगे. तो ये स्पेसिफिकली फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर है. और एज वी डिस्कस, फाइनल अकाउंट्स कब बनते हैं? जब भी आपका अकाउंटिंग पीरियड जो है वो क्लोज होता है. तो अब बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि अकाउंटिंग पीरियड हमेशा एक साल का होता है. तो उन लोगों को मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, बेटा हमेशा एक साल का होगा जरूरी नहीं है. अगर मेरा बिजनेस मैं स्टार्ट कर रही हूँ 1st ऑफ अक्टूबर को या 30th ऑफ सितंबर को, और या मैंने नए साल में 1st ऑफ
जनवरी को मेरा बिजनेस स्टार्ट किया है तो मेरा अकाउंटिंग पीरियड एक साल का नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं फाइनेंशियल ईयर फॉलो करती हूँ तो मेरा अकाउंटिंग ईयर होता है 1st अप्रैल से लेकर 31st ऑफ मार्च। तो उस साल में जब मैंने अगर जनवरी में अपना बिजनेस स्टार्ट किया है तो मैं अपना अकाउंट्स कब क्लोज करूंगी? ऑब्वियसली 31st ऑफ मार्च को। तो क्या मेरा अकाउंटिंग पीरियड 1 ईयर है? आंसर इज नो। इफ आई एम स्टार्टिंग माई बिजनेस ऑन 1st January itself, then my accounting period is going to be 3 months only, because January, February and March, 3 महीने में ही मेरा ईयर का क्लोजिंग आ गया और उसी दिन मैं अकाउंट को क्लोज करूंगी और अपनी पोजीशन को चेक करूंगी कि कितना प्रॉफिट मैंने कमाया, मेरी बैलेंस शीट की पोजीशन क्या है, मेरे पास कितनी लाइबिलिटीज है और कितने एसेट्स है। ऐसे ही अगर मैंने 1st ऑफ अक्टूबर को या 30th ऑफ सेप्टेम्बर को अपना बिजनेस स्टार्ट किया है तो वहां से लेकर 31st ऑफ मार्च तक ओनली 6 मंथ्स आते हैं, तो दैट विल बिकम माय अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड में कई बार बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, हालांकि इतना डिटेल में डंके लेवल पे आपसे जाके पूछेंगे नहीं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग पीरियड हमेशा एक साल होगा ऐसा जरूरी नहीं है, इट कैन बी लेसर देन 1 ईयर ऑल्सो। ओके, चलिए तो अब हम फोकस करेंगे इस पे कि ये क्या होता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बट बिफोर आई स्टार्ट टीचिंग यू कि ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीजें जाएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या चीजें जाएंगी और बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें जाएंगी, आपको कुछ चीजें बहुत ही क्लियर होनी चाहिए जो कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों ने अगर ठीक से नहीं पढ़ा है या उन लोगों ने पढ़ा है लेकिन फिर भी डाउट है, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है जिनको मैं हेल्प कर रही हूँ कि आप पहले ये कॉन्सेप्ट जरा क्लियर कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको क्या क्या टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं और कौन सा जो एक्सपेंस है या इनकम है वो कौन से अकाउंट में जाती है ये क्लियर होगा, तो आपके लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स सी what are the basics. So basics before understanding above 1, 2 and 3. What is above 1, 2 and 3? अरे भाई, trading account, profit and loss account and balance sheet, इन सबको सीखने से पहले जरा basics देख ले। तो basics में there are classification of account. So classification of account traditional method से भी होता है और modern approach से भी होता है। तो अगर हम traditional approach को follow करते हैं तो basically हमारे पास 3 types of accounts होते हैं जिनको हम बोलते हैं real, personal and nominal account। और अगर हम मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करते हैं तो हमारे पास एक्सपेंस अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, एसेट अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, ये 5 टाइप ऑफ अकाउंट्स होते हैं। तो हमें पहले ये समझना है कि इनके डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स क्या होते हैं और ये अकाउंट होते क्या। डेबिट एंड क्रेडिट के रूल शायद उतने इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये अकाउंट होते कैसे, किसी अकाउंट को मैं रेवेन्यू अकाउंट कब बोलूंगी, किसी अकाउंट को मैं कैपिटल अकाउंट कब बोलूंगी, किसी को मैं लाइबिलिटी कब बोलूंगी या किसी को मैं एसेट कब बोलूंगी, ये किस बात के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो डबल एंट्री सिस्टम में अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करते हैं तो हमारे पास ये 3 क्लासिफिकेशन है। कौन कौन सा? मेरे पास है रियल अकाउंट, मेरे पास है, जरा चेंज कर दूं कलर, मेरे पास रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट होता है जो भी चीजें हमारे बिजनेस की नॉर्मली एसेट्स वगैरह होती है या जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, एक्चुअली हम उनको रियल अकाउंट बोलते हैं। जैसे कि कोई बिल्डिंग हुआ, कोई लैंड हुआ, कोई फर्नीचर हुआ, कोई प्लांट हुआ, कोई मशीनरी हुआ, कैश वगैरह हुआ, तो इन सब को हम बोलते हैं रियल अकाउंट। व्हेयरएज नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं? जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होगी लेकिन वो जस्ट नेम से के लिए अकाउंट्स होते हैं, जैसे कि सैलरी। तो सैलरी क्या अपने आप में कुछ है? नहीं, सैलरी इज जस्ट द नेम ऑफ एक्सपेंस, सैलरी किसी पर्सन को मिलती है। या फिर मैं बोलूं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी करके कोई आदमी खड़ा हुआ है क्या? नहीं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक एक्सपेंस का नाम है। या मैं रेंट रिसीव्ड बोलूं तो रेंट करके कोई आदमी है क्या? नहीं, कैश आ रहा है। रेंट क्या है? रेंट इज एन इनकम, रेंट कैन बी पेड ऑल्सो, इन दैट केस इट विल बी एन एक्सपेंस। तो नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं, नॉमिनल अकाउंट मतलब या तो वो एक्सपेंसेस का नाम होता है या वो इनकम्स का नाम होता है। ऐसे पर्सनल अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट के फर्दर 3 क्लासिफिकेशन होते हैं। ठीक है, अगर आपने 10th में ठीक से पढ़, 9th में ठीक से पढ़ रखा है तो आपको मालूम होगा कि पर्सनल अकाउंट के अंदर एक होता है रियल पर्सनल, आपके और मेरे जैसा जो एक्चुअली में पर्सन है, ह्यूमन बीइंग है। दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन जो कि इंसान तो नहीं है लेकिन उसको एक स्टेटस मिला हुआ है, जैसे कि आपकी कोई रजिस्टर्ड फर्म है तो दैट उसके नाम से बैंक अकाउंट होगा, उसके नाम से प्रॉपर्टी होगी। अगर आपकी कंपनी है तो डेफिनेटली आपकी सेपरेट एंटिटी है। तो दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल पर्सन। और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये क्या होते हैं? जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब सैलरी पेमेंट हो जाना चाहिए था बट आपने अभी किया नहीं है,
तो इसका मतलब क्या है, इसके पीछे कोई इंसान खड़ा है, एक एक्सपेंस का नाम है लेकिन इसके पीछे एक इंसान खड़ा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं कौन से अकाउंट, इसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो हमने तीन अकाउंट्स पढ़ लिए, जल्दी से रिवाइज कर लीजिए, ये रिविजनरी लेक्चर काइंड ऑफ थिंग हो सकती है जिन लोगों ने नाइन्थ में ठीक से इसको पढ़ा हुआ है, तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है एक बार इस लेक्चर को देख लीजिए और एक बार ठीक से अपनी बुक को जरा खोल के देख लीजिए, तो रियल पर्सनल नॉमिनल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत जरूरी है इस कॉन्सेप्ट को ठीक से पढ़ना, टू नो what goes to trading account, what goes to profit and loss account and what goes to balance sheet. ठीक है, तो हमने एक पढ़ा, एक होता है real account. Real account में क्या आता है, उसमें जैसे कि building, cash या फिर you know आपका प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये सारी चीजें आती है नॉमिनल अकाउंट में, जितनी भी इनकम्स होती है और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सब नॉमिनल अकाउंट में जाते हैं। एंड पर्सनल अकाउंट्स में क्या जाता है, पर्सनल अकाउंट के अंदर तीन तरीके के लोग हो सकते हैं, रियल पर्सन लाइक यू एंड मी, इट कैन बी आर्टिफिशियल पर्सन, किसी फर्म का नाम, किसी बैंक का नाम, किसी कंपनी का नाम एंड ऑल, एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड ऑल। ठीक है, अब इनके रूल क्या होते हैं, यहाँ पर फर्स्ट वाले में रियल अकाउंट के रूल होते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये तो रट्टा मारना पड़ेगा भाई। ठीक है, इसको बहुत ज्यादा डिटेल में हम क्लास 9 में पढ़ाते हैं, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस यहाँ पे हो गया, एंड यहाँ पर हो गया क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, और इधर हो गया डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द रिसीवर। वैसे एक बात बताऊं, आपको अकाउंट आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये कौन सा अकाउंट है, रियल है कि पर्सनल है कि नॉमिनल है। डेबिट एंड क्रेडिट के रूल अभी के लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पर ट्रायल बैलेंस बना के दिया जाएगा क्वेश्चन में, जहाँ पे डेबिट क्रेडिट ऑटोमेटिकली लिखा होगा, आपको जस्ट पता होना चाहिए कि कौन सा अकाउंट है। अच्छा, ये तो बात हो गई किसकी, अगर ट्रेडिशनल अप्रोच से आप देख रहे हो, अगर मैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन देखू तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली मेरे पास 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट है। व्हाट आर दीस 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट, सबसे पहला है एसेट अकाउंट, देन लाइबिलिटी अकाउंट, देन एक्सपेंस अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। एसेट अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या एसेट्स है, एसेट्स वही है, टेंजिबल इंटेंजिबल कुछ भी एसेट हो सकते हैं, जैसे कि फर्नीचर, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस हो सकता है, लैंड हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, प्लांट हो सकता है, मशीनरी हो सकता है, मोटर कार हो सकता है, ये सारी चीजें हमारी एसेट्स है। ठीक है, और अगर मैं लाइबिलिटीज की बात करूं, व्हाट वी ओ टू अदर्स, ठीक है, क्या हम दूसरों को ओ करते हैं, तो वो हो सकता है क्रेडिटर हो सकता है, बिल्स पेबल हो सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, बैंक लोन हो सकता है, ये सारी चीजें मेरी लाइबिलिटीज हो सकती है। एक्सपेंसेस की बात करें तो परचेज एक्सपेंस हो सकता है, वेजेस एक्सपेंस हो सकता है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, लीगल चार्जेस, कैरियज इनवर्ड, कैरियज आउटवर्ड, ये सारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं। इनकम्स की बात करें तो हमारा सेल्स इनकम है, रेंट रिसीव इनकम है, डिविडेंड रिसीव इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव इनकम है, डिस्काउंट रिसीव इनकम है, और कैपिटल तो हमारे ओनर को रिप्रेजेंट करता है जो ओनर ने इन्वेस्ट किया। तो यहाँ पे 5 टाइप ऑफ अकाउंट है। तो अगर आप इन दोनों को देखिए, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू, तो ये जो नॉमिनल अकाउंट है ना, इसी को यहाँ पर जाके 2 पार्ट में बाइफर्केट कर दिया गया है। यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट, अगर मैं ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ जाती हूँ, तो ट्रेडिशनल अप्रोच में आपको एक्सपेंस और इनकम का अलग अलग अकाउंट नहीं बनाया गया है, एक ही नॉमिनल अकाउंट के अंदर एक्सपेंस को भी ट्रीट कर देते हैं और उसी के अंदर आप इनकम्स को भी ट्रीट कर देते हैं। बट मॉडर्न अप्रोच एक्सपेंस का अकाउंट डालकर अलग कर देती है और रेवेन्यू या इनकम्स का अकाउंट उठा करके अलग कर देती है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं रियल अकाउंट की बात करूं, तो रियल अकाउंट के अंदर बहुत सारी एसेट्स होती है, पर्सनल अकाउंट भी आते हैं, जैसे कि डेटर इज अ पर्सनल अकाउंट। ठीक है, लेकिन वो भी आप डेटर इज अ पर्सनल अकाउंट, लेकिन आप जब एसेट अकाउंट बनाते हैं तो एसेट अकाउंट को पर्सनल अकाउंट भी लिख लेते हैं और रियल अकाउंट के अंदर आने वाली चीजें भी लिख लेते हैं। तो इसके अंदर ये भी आ रहा है और इसके अंदर कुछ पर्सनल अकाउंट्स भी आ रहे हैं। ऐसे ही लाइबिलिटी की अगर हम बात करेंगे, तो लाइबिलिटी के अंदर काफी सारे पर्सनल अकाउंट्स भी आ रहे होते हैं, और जैसे कि हमारे क्रेडिटर वगैरह वो भी आ रहे होते हैं, और हमारे यहाँ पर क्या आ रहे होते हैं, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट।
अकाउंट भी अगर मैं बात करूँ पर्सनल अकाउंट होता है कैपिटल अकाउंट, लेकिन इन लोगों ने कैपिटल अकाउंट को यहाँ पर उठाकर अलग कर दिया। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन भी आप देख सकते हैं कौन सा क्लासिफिकेशन फॉलो करना है। मेरा जो पर्सनल व्यू है, मुझे ये जो मॉडर्न अप्रोच है वो ज्यादा अच्छी लगती है। इसके अंदर मुझे लगता है कि आपको कुछ खिचड़ी नहीं पकती है कि आपने नॉमिनल अकाउंट की तरह यहाँ पर पर्सनल और एक्सपेंस एंड इनकम को एक साथ डाल दिया, अलग अलग रखा है, कैपिटल को अलग रखा है, लाइबिलिटीज को अलग रखा है, लेकिन दैट इज अप टू यू इंडिविजुअली। आपको जो भी ज्यादा अच्छा लगता है और ज्यादा अच्छे से याद हो जाता है, ठीक है, इट इज अप टू यू विच एवर यू वॉन्ट टू रिमेम्बर। लेकिन जो भी आप फॉलो कर रहे हैं उसके आपको रूल्स और क्या क्या आइडेंटिफिकेशन है, क्या क्या ट्रेड्स है। अगर मैं जैसे बोलूँ कि फर्नीचर क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि रियल अकाउंट है, फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आप किसी एक पर स्टिक करके चलिए और उसी को हमेशा फॉलो करिए। ऐसे आप पेंडुलम की तरह इधर से उधर नहीं जाते रहिए, ठीक है, कि कभी आपने पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट वाली ट्रेडिशनल अप्रोच ले ली, कभी मॉडर्न अप्रोच ले ली, तो आप कंफ्यूज होते रहेंगे। तो एक ही किसी अप्रोच को स्टिक करके चलिए और इनका क्लासिफिकेशन सीखिए। ठीक है, तो ये कैपिटल अकाउंट के फिर कुछ रूल्स वगैरह दिए हुए हैं कि कैसे इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ कि ये आप लोग ये जो पूरी यहाँ पे रूल्स दिए हुए हैं, फिर इसका बैलेंस शीट पे क्या इम्पैक्ट होता है, इसको एक बार पढ़ लेंगे। ये एक्चुअली हम यूज करते हैं क्लास 9 के स्टूडेंट्स को जब पढ़ाते हैं, काफी डिटेल में जाके हमारी क्लासेस में पढ़ाया जाता है। इफ यू वॉन्ट यू कैन ज्वाइन अवर लाइव क्लासेस, फेस टू फेस क्लासेस, एंड हम लोगों की ऐप के ऊपर भी बहुत सारे कोर्सेज है, कृष्णास क्लासेस इज माई ऐप विच यू कैन डाउनलोड। ठीक है, तो वहां से क्लास 9 में भी काफी सारे डिटेल देख सकते हैं, रिफर करिएगा। चलिए, अब आप देखिए यहाँ पे पर्सनल अकाउंट के बारे में जो मैंने आपको ऊपर बातें बोली थी कि नेचुरल पर्सन हो सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है, और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन के अकाउंट्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने रूल की बात कर लिया कि आपके डेबिट क्रेडिट के रूल्स जो है और जो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है, डेबिट क्रेडिट के रूल्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अकाउंट आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज क्या है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इन फॉर्मूलाज के लिए मैं सब स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूंगी कि कम से कम 5-5 बार, यस यू हर्ड मी राइट, एटलीस्ट 5 टाइम्स आप इसको लिख करके देखिए, देन ये फॉर्मूलाज आपको आपकी परमानेंटली मेमोरी में बैठ जाएंगे एंड यू विल बी इजीली एबल टू अप्लाई। ठीक है, तो सबसे पहले है ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला, ये बहुत बार हमें यूज करना पड़ेगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट अभी के लिए जाके आगे जब हम ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ेंगे तो इसको काफी डिटेल में इसके एनालिसिस करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये फॉर्मूला याद रखिए कि अगर हम सेल्स में से हमारे जितने भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और प्रोडक्शन की एक्सपेंसेस उनको हटा देते हैं तो जो हमारे हाथ में बचता है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये नेट सेल्स क्या होती है, नेट सेल्स का फॉर्मूला उसके नीचे वाली लाइन में दिया है कि अगर सेल्स में से आप सेल्स रिटर्न माइनस कर देते हैं तो उसको नेट सेल्स बोलते हैं। अब ये सेल्स रिटर्न क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने अपने कस्टमर को कुछ सामान सेल किया और उसमें से कुछ डिफेक्टेड था, ये कुछ टूट गया जाते टाइम, या एज पर स्पेसिफिकेशन नहीं भेजा था, कुछ गलत मटेरियल भेज दिया था, तो वो मुझे वापस कर देगा। जो वो मुझे वापस कर देगा वो सेल्स रिटर्न हो गई, उसका लिए तो मुझे पैसा नहीं मिलेगा, तो उसे मुझे अपनी सेल्स में से माइनस कर लेना चाहिए। तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न इज योर नेट सेल्स। ओके, तो फॉर्मूला क्या है ग्रॉस प्रॉफिट का, नेट सेल्स माइनस सीओजीएस प्लस प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। नेट सेल्स को समझ लिया क्या होता है, सीओजीएस क्या है, ये एब्रिविएशन है, काफी बार यूज होता है। सीओजीएस का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है, यहाँ पर आप ओपनिंग स्टॉक लेते हैं, मतलब 1st of April या जो भी, अगर आप कैलेंडर ईयर फॉलो करें तो 1st of January के दिन आपका जो स्टॉक था उसमें आप नेट परचेजेस, जो परचेजेस रहेंगे उसको ऐड करेंगे, और जो बच गया ईयर के एंड में जो अभी तक सेल नहीं हुआ है उसको माइनस कर देंगे। तो हम बोलेंगे कि ये मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, इतना मैंने जो कॉस्ट इनकर किया है। अभी ये क्लोजिंग स्टॉक मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर जो स्टॉक रहेगा उसको हम क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे, इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर जो स्टॉक रहेगा उसको हम ओपनिंग स्टॉक बोलेंगे। नेट परचेजेस का मतलब क्या है, नेट सेल्स के जैसा ही नेट परचेज है, मतलब हम जब परचेज करेंगे तो हो सकता है हम भी कुछ चीजें रिटर्न कर दें, तो परचेज माइनस परचेज रिटर्न किया तो दैट इज कॉल्ड नेट परचेजेस। ओके, तो ये फॉर्मूला, व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट, व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज ट्रेडिंग अकाउंट। तो आज की क्लास में हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट की तरफ नहीं जा रहे, आई वॉन्ट टू कीप दिस क्लासेस एकदम क्रिस्प एंड बहुत, जिसमें हम लोग डिटेल में जाके स्टडी करें, और बहुत लंबा लंबा क्लासेस में नहीं डालना चाहती, सो दैट आपका फोकस जो है, आपका जो कंसंट्रेशन लेवल जो है वो हाई रहे। और ये पहली क्लास है तो इसको मैं यहीं पर समअप कर रही हूँ, आगे वाली क्लासेस थोड़ी सी लंबी होंगी, इतनी लेंथ में हम लोग ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। मैं पहले आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगी, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ट्रेडिंग अकाउंट के एग्जाम्पल क्या है, और उसके बाद हम लोग आगे डिटेल्स में धीरे 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 एडवांस करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे, बढ़ाते जाएंगे अपना लेवल। ठीक है, तो आज आपका क्या काम है, आज आपका ये काम है
कि आप इसको काफी अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, और आप सारे कॉन्सेप्ट को गो थ्रू कर लीजिए। आपके पास बुक होगी, सीबी गुप्ता सर की बुक है जो कि आईसीएससी क्लास 10 के लिए चलती है। आपकी 9 क्लास की बुक को भी साइड में रख लीजिएगा। अगर आपको डेबिट क्रेडिट के रूल्स वगैरह और डिटेल में देखते हैं, मेरे नोट्स तो है ही, आपको कहाँ मिलेंगे मैं फिर से बता दूं, अंडर फ्री स्टडी रिसोर्सेज मेरी ऐप के अंदर आपको मिलेंगे, और आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भी आपको ये रिसोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है, ये नोट्स मिल जाएंगे। तो आप उसको गो थ्रू करके रखिए। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम ट्रेडिंग अकाउंट काफी डिटेल में जाकर पढ़ेंगे। और भाई एक काम और कर दीजिए, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप प्लीज अपने फ्रेंड्स को बता दीजिए, उनको रेफर कर दीजिए, और आप उन सबको बोलिए कि ज्वाइन करिए, आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से हो जाएंगे। एंड दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, आई एम नॉट गोइंग टू चार्ज एनीथिंग। ऐसा नहीं होगा कि अदर टॉपिक यहाँ पर पढ़ाया जाए और फिर उसके बाद बोलिए कि आप हमारा पेड कोर्स खरीदिए और फिर वहां से देखिए, बिल्कुल भी नहीं। ये पूरा का पूरा चैप्टर मैं जो है यहाँ पर यूट्यूब पे कम्प्लीट करने वाली हूँ, जिसको आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, एंड फुल मार्क्स की मेरी गारंटी है, फुल मार्क्स आप यहाँ से ले पाएंगे। चलिए, तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और ऐप को डाउनलोड करना मत भूलो, और जितने लोगों को बता सकते हो टेल देम, कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ योर फ्रेंड्स आल्सो। ओके, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय, हैव अ ग्रेट डे।